सोलन में निजी स्कूल का वार्षिक समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, जिनका स्कूल परिसर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान आकर्षक मार्च पास्ट का आयोजन किया गया। बच्चों ने शानदार कराटे का प्रदर्शन कर सभी को हैरत में डाल दिया। वहीं विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए, जिसका उपस्थित दर्शकों ने खूब लुत्फ उठाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्कूली छात्रों द्वारा की गई प्रस्तुतियों को सराहा और वहीं मीडिया द्वारा जिला में बिगड़ रही कानून व्यवस्था के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिला में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठीक है, और क्योंकि हिमाचल में जब कोई छोटी सी घटना होती है तो वो भी बड़ी लगती है, लेकिन हिमाचल पुलिस पूरी तरह से न्याय और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रयासरत है और बखूबी अपना कार्य कर रही है। देखिए, ऐसी भी परिस्थिति नहीं है कि बहुत ही कानून व्यवस्था यहाँ पर चरमरा गई है। कुछ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट्स बीच में होते हैं, वो सचमुच में वो हमारे छोटे से इस प्रदेश में, क्योंकि शांतिपूर्ण प्रदेश है, छोटी घटना होती है वो भी बहुत बड़ी दिखती है। ऐसी परिस्थिति में हमारा तो ये प्रयास है कि घटना हो ना, लेकिन फिर भी कहीं घटना होती है तो उसके लिए हम कानून के अनुसार जो कार्यवाही बनती है उस कार्यवाही की। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में भी नशे का प्रचलन कहीं कहीं देखने को मिला है, इसको रोकने की आवश्यकता है। और बच्चों से मैं इस बात के लिए आग्रह कर रहा हूँ, निवेदन करता हूँ, जहाँ भी ऐसे संस्थानों में जाना होता है कि नशा अपने लिए नुकसानदायक है, समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए नुकसानदायक है, इसे रोकना होगा। और रोकने के लिए जो अभियान सरकार की ओर से हमने चलाया है, और उस अभियान का हिस्सा बने, उसका साथ दें, सहयोग दें, ताकि जो है हम हिमाचल प्रदेश को विकास की राह पर आगे बढ़ा सकें। और खासतौर से जो हमारी नई जनरेशन है वो आगे बढ़ करके इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए अपना कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान जो है दे सकें।